Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of microcontroller and embedded system, that is stepper motor interface with 8051. So last time हमने discuss किया था, कर चुके हैं actually, LCD interface, keyboard interface, right? 7-segment display interface. तो ये तीनों जो peripheral device है, इनको हम microcontroller 8051 के साथ interface करवा के देख चुके हैं और उसकी regarding जो भी information हमें चाहिए होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? सो आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेपर मोटर इंटरफेस. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय स्टेपर मोटर. आप सबने कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखा होगा जो कि माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, एम्बेडेड प्रोजेक्ट बोल सकते हैं. उसमें हम सबने ये जो मोटर है वो कहीं ना कहीं देखी होगी. आप नीचे देख सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ सीडी ड्राइवर है, जो सीडी रोम होता है वहां पे स्टेपर मोटर यूज होती है. देन बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, रोबोटिक आर्म होती है जिसमें ये स्टेपर मोटर यूज होती है, राइट? स्कैनर होता है उसमें ये यूज होती है. बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम स्टेपर मोटर को यूज करेंगे आगे जाकर मेजर प्रोजेक्ट में, राइट? तो उसकी कैसे इंटरफेसिंग करानी है, स्टेपर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये एक बार हम अगर समझ जाएंगे इस चीज को तो हमें बार बार उस चीज को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start with that. सबसे पहले स्टेपर मोटर की जो इंट्रोडक्शन है वो हमें पता होनी चाहिए. उसके रिलेटेड कुछ हमारे पास नोट्स हैं. वो क्या है? A motor in general is a device that converts electrical energy into mechanical energy. अब हमें पता है in general motor को, motor का जो working principle है वो क्या होता है. It is a basically a device जो कि electrical energy को mechanical energy में convert करता है. हम पीछे से इसको पावर सप्लाई देते हैं, एनर्जी देते हैं और ये एक शाफ्ट होती है इसके आउटपुट साइड पे और वो घूमने लग जाती है. तो वही मोटर का प्रिंसिपल है. तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. एज द नेम सजेस्ट, स्टेपर मोटर इज अ डिवाइस दैट डज द सेम टास्क एज अबव बट इन स्टेप्स. अब स्टेपर मोटर भी नॉर्मल मोटर्स की तरह ही काम करेंगी. ये भी अपनी शाफ्ट को जो है वो घुमाएगी एट द आउटपुट साइड. बट ये इसका नाम स्टेपर मोटर है, दैट मींस इट वर्क्स इन द सेम विद द सेम प्रिंसिपल बट इन स्टेप्स. ये स्टेप्स में घुमाएगी. मतलब ये जो भी हमारी क्लॉक होती है, क्लॉक में एक एक सेकंड करके आगे बढ़ती है, वो वही एक स्टेपर मोटर होती है जो एक एंगल तक अपने स्टेप बढ़ाती है, देन उसके बाद फिर एक एंगल तक. तो ये बेसिकली स्टेप्स में जो है वो रोटेशन मूव होती है इसकी शाफ्ट की. तो दैट इज नोन एज स्टेपर मोटर, राइट? इट इज अ ब्रशलेस सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर. ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ब्रशलेस होती है और सिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल मोटर होती है दैट कैन डिवाइड अ कम्प्लीट रोटेशन इंटू नंबर ऑफ स्टेप्स. अब ये प्रॉपर एक रेवोल्यूशन जो है वो कम्प्लीट करेगी अपना 360 डिग्री का, बट इन इंटू द नंबर ऑफ स्टेप्स. स्टेप्स लेते लेते हुए एक पूरा जो है 360 डिग्री अपने आप को रोटेट करेगी. स्टेपर मोटर्स जनरली हैव अ परमानेंट मैग्नेट शाफ्ट and it is surrounded by a stator. अब हमें normally पता है, we already know that कि a simple motor has basically two main parts. One is rotor and other is stator. Rotor part जो होता है वो movable होता है और जो stator part होता है that is basically a permanent magnet, ठीक है, जिसमें हम coils mount करते हैं कुछ तरह की. तो stator is a stationary part and rotor is a moving part. वही इसमें होगा. वो कह रहे हैं कि इसमें जो permanent magnet होगी जो कि जो शाफ्ट है, जो मूविंग पार्ट है, वो दैट इज अ परमानेंट मैग्नेट एंड इट इज सराउंडेड बाय द स्टेटर्स. और स्टेटर में हम कुछ क्वाइल्स माउंट करेंगे जो कि जिसको एनर्जाइज करने से ये जो रोटर है वो घूमेगा, ठीक है जी. द बेस्ट फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ मोटर इज दैट द मोटर्स एंगुलर पोजिशन कैन बी एक्यूरेटली कंट्रोल्ड विदाउट एनी फीडबैक मैकेनिज्म एज लॉन्ग एज द मोटर इज नॉट ओवरसाइज्ड. अब इसका जो मेन पार्ट है मोटर का वो क्या है, मतलब जो हमें मोटर के बारे में इसकी बेस्ट प्रॉपर्टी है वो है कि इसकी एंगुलर पोजीशन जो कि हम अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं. मतलब हम किसी भी एंगल पे इसको रन करवा सकते हैं, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंगल से और 20 डिग्री, और अपने अकॉर्डिंगली जितना हमें एंगल चाहिए उतना एंगल हम इस मोटर से जो है वो चला सकते हैं विदाउट एनी फीडबैक मैकेनिज्म. मतलब इसके लिए कोई हमें फीडबैक मैकेनिज्म की भी नहीं जरूरत पड़ेगी. जस्ट हमें इनपुट वेरिएबल्स ऐसे देंगे कि वो एक एंगल ही चूज करेगी घूमने के लिए. सो देयरफॉर इट वर्क्स ऑन अ सिंपल एक्यूरेट ओपन लूप सिस्टम. ये ओपन लूप सिस्टम में काम करती है. देयर विल बी नो फीडबैक सिस्टम, सो दैट इज नोन एज ओपन लूप सिस्टम वेयर द आउटपुट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द
इनपुट स्टेपर मोटर रोटेट्स एट स्मॉल एंगल्स टू कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशंस दी स्मॉल एंगल्स आर कॉल्ड स्टेप्स। अब ये छोटे छोटे एंगल जो है उसमें घूमेगी, जैसे ये एक स्टेपर मोटर की रोटर है, ये यहाँ पे है इस पोजीशन पे, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये ऐसे ऐसे आगे आगे जाएगी, ठीक है, तो स्टेप्स में जाएगी, नॉट इन द कंटिन्यूस प्रोसेस। तो 360 डिग्री रिवॉल्व जरूर होगी बट इन द स्टेप्स, और वो स्मॉल एंगल्स को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ स्टेप्स, हेंस द नेम स्टेपर मोटर। टिपिकली स्टेपर मोटर कंसिस्ट ऑफ 200 स्टेप्स। अब नॉर्मली जो आजकल स्टेपर मोटर मिल रही है उसमें से जो जनरल है वो 200 स्टेप्स वाली होती है, मतलब 360 डिग्री वो कंप्लीट करेगी इन द 200 स्टेप्स, राइट। नेक्स्ट, अब जैसे हमने अभी पढ़ा कि 200 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट करती है, मतलब ये 360 डिग्री घूमेगी विद इन द 200 स्टेप्स, दैट मींस 200 स्टेप्स जो है वो 360 डिग्री पूरा कर रहे हैं, दैट मींस एक स्टेप कितने डिग्री पूरा करेगा, दैट इज फॉर एग्जांपल लेट अस से x डिग्रीज, और x क्या होगा इसमें से, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एक स्टेप जो है दैट इज इक्वल टू 1.8 डिग्री का होगा और 1.8 डिग्री ही मूव करेगा जैसे जैसे इसको पीछे से एनर्जाइज किया जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ईच स्टेप इज 1.8 डिग्रीज, the high and low pulses are provided to the stator coil of the stepper motor। अब हम कुछ जो ये होती है ना, ये basically DC motors होती हैं, मतलब इसमें हम DC supply देते हैं और DC supply में हम 1-0 की form देंगे इसको चलाने के लिए, high and low pulses भी बोल सकते हैं, और किसको देंगे हम, that is to the stator coil, ठीक है, जो stator होगा, जो stationary part होगा उसकी coils होंगी, उसको हम 1 और 0 pulses देंगे ताकि ये as it is work कर सके। Here we are using a 4-coil stator। अब जो भी ये stepper motor होगी इसमें से वो mostly 4-coil stator वाली stepper motor use करते हैं हम, जिसमें से चार जो है वो coils होंगी इसकी stator की। The angle of each step is decided by the steps in the rotor and its alignment with the stator। अब जो angle है वो कैसे decide करेंगे हम stepper motor का, that is decided by the steps in the rotor। जितने rotor में steps होंगे उस पे depend करेगा कि कितना angle पे ये चलेगी और इसकी alignment with the stator, कितनी stator के साथ इसकी क्या alignment है, मतलब क्या हम input देंगे stator को, उसके साथ ये coil जो है वो जो rotor है वो कैसे move करेगा surrounding the stator, right? तो वो उस पे depend करता है। In the case of 200 steps motor, the step angle is 360 divided by 200, that is 1.8 degree। And in case of 8 steps rotor, the step angle is 360 by 8, that is 45 degree। अब इन्होंने दो example दिया, एक 200 steps motor की, जिसमें से 1.8 degree step angle होगा, और एक 8 steps rotor की, जो कि जिसमें 45 degree का angle बनाएगा हर step, right? तो उसके बारे में कुछ animation है, वो दिखाता हूँ। अब ये है, अब इसमें आप देख सकते हैं, motor जो है वो rotate हो रही है, but with the angle of 1.8 degree only, ठीक है? हर input के साथ ये एक ड्राइवर लगा हुआ है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस ड्राइवर से मोटर को चार कॉइल्स हैं, इसकी चार कॉइल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं ड्राइवर से निकल रही हैं। अब यहाँ से आप देखिए कि कैसे वो स्टेप जो है वो ले रही है, बट सिर्फ 1.8 डिग्री का ही एंगल हर स्टेप में निकल के आ रहा है, ठीक है। तो टोटल एक रेवोल्यूशन में 200 स्टेप्स ये कवर अप करेगी। सेम एज अब ये हमारे पास 8 स्टेप्स रोटर है, इसमें वो 360 डिग्री कवर करेगी विद द 8 स्टेप्स, और हर स्टेप जो होगा वो 45 डिग्री का होगा, राइट। सो ये इसकी स्टेपर रोटर की बेसिक वर्किंग है, ये ऐसे काम करती है कि स्टेप्स में अपने आप को रिवॉल्व करती है विद द हाई एंड लो पल्सेस। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्टेपर मोटर। ये कुछ टर्म्स है आपने स्टेपर मोटर के रिलेटेड याद रखनी है, क्या क्या है। फर्स्ट है रेवोल्यूशन पर मिनट, हर स्टेपर का आरपीएम होता है, मोटर का आरपीएम होता है कि वो कितने एक मिनट में कितने जो है वो रेवोल्यूशंस पूरे कर रही है, मतलब कितनी बार वो 360 डिग्री जो डिग्रीज है वो पूरी कर रही है एक मिनट में, दैट इज नोन एज आरपीएम। तो जो स्टेपर मोटर है उसकी भी एक प्रॉपर्टी है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस टर्म इज ऑफन यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ रोटेशंस इज टू बी फाउंड पर मिनट, एक मिनट में कितनी रोटेशंस हो रही है उस मोटर की, दैट इज नोन एज आरपीएम। और हर मोटर की अपनी आरपीएम होती है, उसके अकॉर्डिंगली ये घूमती है, ठीक है जी। इट डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी विद विच द मोटर इज रोटेटिंग, मतलब ये उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी से ये चल रही है जो मोटर है, ठीक है। इसकी स्पीड जो है आरपीएम के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे होती है। नेक्स्ट इज स्टेप एंगल।
अब स्टेप एंगल अब हम ही डिस्कस कर ही चुके हैं. सिंस ए स्टेपर मोटर रोटेट्स वन स्टेप एट अ टाइम, द एंगल इट स्वीप्स इन वन स्टेप इज कॉल्ड द स्टेप एंगल. अब ये एक 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 स्टेप करके आगे जाती है, तो एक स्टेप को हम बोल सकते हैं स्टेप एंगल. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये 200 स्टेप्स पर टीथ है इसके, मतलब ये एक 360 डिग्री में 200 स्टेप्स ले रही है, दैट मींस इसका जो स्टेप एंगल होगा दैट इज 1.8 डिग्री ओनली. एंड अगर ये चार स्टेप में 360 डिग्री कवर कर रही है, दैट मींस इसका एक स्टेप एंगल होगा 90 डिग्री का, राइट. 360 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा, राइट. नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स पर रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन क्या है, मतलब वही चीज हो गई कि दिस पैरामीटर डिसाइड्स द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन दैट इज डिटरमाइंड बाय 360 डिग्री बाय स्टेप एंगल. अब ये है कि एक 360 डिग्री को पूरा करने के लिए कितने स्टेप्स लेगी, दैट इज नोन एज स्टेप्स पर रेवोल्यूशन, राइट. जैसे हम कहते हैं कि अगर ये एक एंगल 90 डिग्री का बना रही है, एक स्टेप एंगल, तो हमारे पास कितने स्टेप्स पर रेवोल्यूशन होंगे, दैट इज 4, ठीक है. हम वो कैसे निकालेंगे, 360 बाय स्टेप एंगल, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज स्टेप्स पर रेवोल्यूशन. नेक्स्ट है स्टेप्स पर सेकंड. अब मिनट में भी हम फाइंड कर चुके हैं, वो रेवोल्यूशन था. अब एक स्टेप एक सेकंड में कितने स्टेप्स कवर अप कर रही है, वो हमें होगा स्टेप्स पर सेकंड. और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, आरपीएम मल्टीप्लाई बाय स्टेप्स पर रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हमें स्टेप्स पर सेकंड मिल जाएगा, ठीक है. तो ये आप चारों जो नोटेशंस है, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और इसको एज इट इज अगर पेपर में आ गया लिख के आएंगे. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर. तो स्टेपर मोटर जो है ना, दैट इज बेसिकली टू टाइप्स, बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. वन इज यूनिपोलर स्टेपर मोटर, अदर वन इज बाइपोलर स्टेपर मोटर. यूनिपोलर में क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट, यूनिपोलर मीन जिसमें एक पोल के थ्रू ही काम होगा, और जो बाइपोलर है वो दो पोल्स जो है एट ए टाइम काम करेंगे. तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिपोलर स्टेपर मोटर, इसमें क्या है. ये जो डायग्राम है ये आप बनाएंगे. द यूनिपोलर स्टेपर मोटर हैज फाइव और सिक्स वायर्स, आउट ऑफ विच फोर वायर्स आर जॉइंट टू वन ऑफ द एंड्स ऑफ ईच ऑफ द फोर स्टेटर कॉइल्स. इसमें से क्या है, हर एक जो वायर है इसमें से बेसिकली उन्होंने बोला है पांच या छह वायर्स हमें बाहर मिलेंगी, उसमें से जो चार वायर्स हैं वो अलग अलग स्टेटर को जो है वो ज्वाइंट होती है, मतलब हर स्टेटर की अपनी एक वायर होगी. द कनेक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल आर ज्वाइंट टूगेदर. इसमें से दो ऐसे कॉमन वायर हैं, जैसे ये कॉमन वायर टू सप्लाई है और ये कॉमन वायर टू सप्लाई है, इन दोनों को आपस में कॉमन कर देंगे, दैट आर ज्वाइंट टूगेदर एंड आर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई, और इसको हम 12 वोल्ट देंगे. दे आर कॉल्ड यूनिपोलर स्टेपर्स बिकॉज पावर ऑलवेज कम इन ऑन दिस वन पोल. अब बेसिकली एक तरफ से पावर आएगी इसके पास, इसलिए इसको यूनिपोलर स्टेपर मोटर बोलते हैं, राइट. और ये इस तरह का इसका लॉजिक सिंबल होगा, ये आप बना लीजिए. नेक्स्ट हमारे पास बाइपोलर स्टेपर मोटर, इसमें क्या है, देर विल बी नो कॉमन वायर हेयर. बाइपोलर स्टेपर मोटर यूजली हैव फोर वायर्स कमिंग आउट ऑफ इट, इसमें से फाइव और सिक्स वायर्स नहीं आएंगी, फोर वायर्स आएंगी जस्ट. अनलाइक यूनिपोलर स्टेपर, बाइपोलर स्टेपर्स हैव नो कॉमन सेंटर कनेक्शन, दे हैव टू इंडिपेंडेंट सेट ऑफ कॉइल इंस्टेड. और इसमें जो कॉइल्स होंगी वो दो दो जो है टर्मिनल से मिलके बनी होगी, जैसे ये ए एंड बी, दीज आर द कॉमन, मतलब ये इंडिपेंडेंट सेट ऑफ कॉइल है, सेम एज डी एंड सी, ये एक इंडिपेंडेंट सेट ऑफ कॉइल्स है, ठीक है, इंटर रिलेटेड नहीं होगी, और इसे हम बाइपोलर स्टेपर मोटर बोलते हैं, राइट. तो ये आप बना लीजिए इसका डायग्राम. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेपर मोटर. तो ये कुछ ये ऑलरेडी हम जो है हमें पता होता है कि स्टेपर मोटर में भी वही चीज लगी होंगी जो नॉर्मल मोटर में होती है, स्टेटर है, रोटर है, परमानेंट मैग्नेट्स हैं, तो उसके रिलेटेड ये डायग्राम है. ये आपने जस्ट याद रखना है, स्टेटर क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ फोर कॉइल्स, इसमें से चार कॉइल होंगी जो कि बाउंड की होगी स्टेटर के ऊपर, दैट आर एनर्जाइज्ड बाय पल्सेस फ्रॉम अ माइक्रो कंट्रोलर और अ स्टेपर कंट्रोलर, जिसको हम पल्स देंगे थ्रू द माइक्रो कंट्रोलर 8051 और एक या तो स्टेपर कंट्रोलर लगा होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे. रोटर क्या है, जो एक द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द रोटर एंड इट्स जो कि घूमने वाला पार्ट है उसको रोटर बोलते हैं. The number of steps of the rotor and its alignment with the stator determines the step angle and steps per revolution. Permanent magnet होगी इसमें लगी हुई, वो क्या है, rotor के साथ ही mount होगी. The rotor is mounted on a permanent magnet that attracts or repels the stator coil and hence the propulsion occurs. अब rotor के ऊपर permanent magnet होगी जो कि attract होगी with respect to stators,
कॉइल्स और रिपेल करेगी एक बार, मतलब अकॉर्डिंग टू द पल्सेस गिवन टू द स्टेटर कॉइल्स इट विल अट्रैक्ट और रिपेल दैट स्टेटर कॉइल्स, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को रोटेट करेंगी, राइट वो आगे आपको समझ आएगा। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ स्टेपर मोटर, नोट कर लीजिए टॉपिक। इसमें क्या है, स्टेपर मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। अब ये स्टेपर मोटर जो है ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्जन की प्रिंसिपल पे काम करती है। द कॉइल्स ऑफ स्टेटर आर प्लेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब ये कॉइल्स हैं जैसे ए बी सी एंड डी, ये कहाँ पे लगाई हुई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है जिसके ऊपर कॉइल्स वाउंड की होती हैं, विच आर एनर्जाइज्ड एंड डी एनर्जाइज्ड बाय द पल्सेस ऑफ माइक्रोकंट्रोलर। जिसको हम माइक्रोकंट्रोलर से पल्स देते हैं वन और जीरो, तो उसके अकॉर्डिंगली ये एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होती है। मतलब ये जब इसको हाई पल्स मिल गई या लो पल्स मिल गई तो ये क्या करेगी, एक्टिव हो जाएगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट की तरह काम करेगी। तो बीच में जो रोटर है वो एक परमानेंट मैग्नेट है, जो कि परमानेंट मैग्नेट का हमें पता है नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलरेडी मार्क्ड होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो रोटर है वो घूमना शुरू हो जाता है। स्टेटर, जो भी स्टेटर को एनर्जाइज किया होता है उसके तरफ ये घूमनी शुरू हो जाती है, तो उससे क्या होगा, ये रोटेशन हमें जो है वो आउटपुट पे मिलनी शुरू हो जाती है, राइट। तो जैसे यहाँ पे ए को एनर्जाइज किया तो साउथ उसकी तरफ चला गया, राइट। अब जैसे ही यहाँ पे बी को एनर्जाइज किया तो साउथ इसकी तरफ आ गया, अब सी को एनर्जाइज किया तो साउथ नीचे आ गया, डी को एनर्जाइज किया तो साउथ इधर आ गया। दैट मीन्स ये हम एनर्जाइज करेंगे स्टेटर को, विद रिस्पेक्ट टू दैट रोटर जो है वो अपनी रोटेशन मूव करेगा, बिकॉज वो परमानेंट मैग्नेट है और वो स्टेटर की तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी और बाकियों को वो रिपेल करेगा। सो इट वर्क्स लाइक दैट ओनली, राइट। नेक्स्ट ये देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एक बीच में रोटर लगी है जो जिसमें टीथ बने हुए हैं, वो एक परमानेंट मैग्नेट है। बाकी जो फोर स्टेटर्स हैं वो उस पे कॉइल्स बाउंड है, आप देख सकते हैं वन पे जब एनर्जाइज होती है, टू पे होती है, देन थ्री पे होती है, देन फोर पे होती है, तो कैसे ये स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, राइट। तो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ टीथ्स हैं और कैसे उसको अलाइन किया हुआ है स्टेटर के साथ, उसके अकॉर्डिंगली इसका स्टेप एंगल होगा, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है, द सीक्वेंस इन विच द कॉइल्स आर एक्साइटेड टू फॉर्म द पोल्स कॉजेस द रोटर टू अट्रैक्ट वन पेयर ऑफ स्टेटर पोल एंड रिपेल द अदर कॉजिंग मोशन इन द शाफ्ट एंड द लोड कनेक्टेड टू इट। अब ये दोनों तरफ घुमाई जा सकती है, इट कैन बी रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज वेल एज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डिपेंड करता है हम कौन सी कॉइल को कब एनर्जाइज कर रहे हैं और कौन सा सीक्वेंस दे रहे हैं। अगर हमारा सीक्वेंस 1 2 3 4 है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, बट अगर हमारा सीक्वेंस 1 4 3 2 है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं। नेक्स्ट है इंटरफेसिंग ऑफ स्टेपर मोटर टू 8051। तो यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है इंटरफेसिंग का। इसमें क्या है, बहुत जरूरी है ये, स्टेपर मोटर के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए था, वो हम कर चुके हैं। अब हम इंटरफेसिंग में क्या करेंगे कि हम कैसे उसको इंटरफेस कर रहे हैं कंट्रोलर को और वो किस मोड में काम कर रही है उस टाइम पे, राइट। तो लेट स्टार्ट, वी आर यूजिंग पोर्ट 2 ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर। अब हम इसमें माइक्रोकंट्रोलर आगे डायग्राम आएगा, उसका जो पोर्ट 2 है माइक्रोकंट्रोलर का वो हम पूरा का पूरा यूज कर रहे हैं टू जनरेट अ हाई एंड लो पल्सेस एंड यूजिंग अ करंट एम्पलीफायर आईसी। अब इन दोनों के बीच में ना एक इंटरमीडिएट आईसी लगाएंगे हम, दैट इज ULN2003A करंट एम्पलीफायर आईसी होता है ये। ये क्या करता है, हमारी जैसे मोटर होती है वो होती है 1 एम्पियर पे चलने वाली या 0.1 एम्पियर से शुरू हो जाती है, बट जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर की करंट कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टेपर मोटर। तो हमें उस करंट, उस मोटर को चलाने के लिए सबसे पहले करंट को एम्पलीफाई करना पड़ता है। अगर मैं डायरेक्ट मोटर को दे दूं तो वो क्या करेगा, लोड ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा माइक्रो कंट्रोलर को बर्न भी हो सकता है, ठीक है। मतलब माइक्रो कंट्रोलर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो स्टेपर मोटर को चला सके। तो जब स्टेपर मोटर को एनर्जी मिलती है बट वो कम मिलती है, वो क्या करता है, उस एनर्जी को और खींचने की कोशिश करता है, जिससे क्या होगा माइक्रो कंट्रोलर बर्न हो सकता है, राइट। सो उसको पूरा करने के लिए, उसको स्मूथली वर्क करवाने के लिए हम एक करंट एम्पलीफायर आईसी को बीच में लगाते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को आईसी के साथ लगाते हैं और आईसी के आउटपुट जो है वो मोटर को देते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रॉपर करंट है वो स्टेपर मोटर को मिलता है, तो जिससे मोटर आराम से काम कर सकती है। तो वो कहते हैं कि हेयर एन करंट एम्पलीफायर आईसी इज ऑल्सो यूज टू एम्पलीफाई द करंट टू ड्राइव द स्टेपर मोटर यूजिंग द पल्स ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। पीछे से इनपुट माइक्रो कंट्रोलर ही दे रहा है इसको, ड्राइवर को,
बट ये आगे उसको एम्पलीफाई करके करंट को तो मोटर को चलाने के काम आती है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ द वे ऑफ कॉइल्स आर एनर्जाइज, अब जिस वे से हम कॉइल को एनर्जाइज करते हैं वो तीन तरह की होती है कैटेगरीज, मतलब हम तीनों कैटेगरीज में कोई भी किसी भी मोड में इसको काम करवा सकते हैं। वो तीन मोड कौन से होते हैं, वेव ड्राइव मोड, फुल ड्राइव मोड, हाफ ड्राइव मोड, राइट। ये तीनों याद रखने हैं आपने, वेव ड्राइव मोड, फुल ड्राइव मोड, हाफ ड्राइव मोड। सबसे पहले है वेव ड्राइव मोड, इसमें क्या है, इन दिस मोड ओनली वन कॉयल इज एनर्जाइज एट अ टाइम। अब हमारे पास यहाँ पे चार कॉयल्स हैं, नेम्ड ए बी सी एंड डी। अब जब हम वेव ड्राइव मोड में काम करेंगे तो उस मोड में एक कॉयल को एट ए टाइम एनर्जाइज किया जाएगा, बाकी तीनों डी एनर्जाइज होंगे, मतलब सिर्फ एक को हम वन देंगे बाकी तीनों जीरो होंगी। ऑल द फोर कॉयल्स आर एनर्जाइज वन आफ्टर द अदर इन अ सीक्वेंस। अब पहले जैसे यहाँ पे स्टेप्स दिया है, पहले स्टेप में ए को एनर्जाइज किया, बाकी को जीरो 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 किया, देन दूसरे स्टेप के लिए बी को एनर्जाइज किया, बाकी सबको जीरो दे दिया, तीसरे स्टेप में सी को एनर्जाइज किया, देन चौथे स्टेप में डी को एनर्जाइज किया, ये सीक्वेंस चलता रहता है, ठीक है। तो उस मोड को हम बोलते हैं वेव ड्राइव मोड। इन टर्म्स ऑफ पावर कंजप्शन दिस मोड इज अ पावर सेवर। अब ये मोड हम कब यूज करते हैं, जब हमें पावर बचानी हो, पावर कंजप्शन बहुत कम होती है इसमें, ठीक है। बट द टॉर्क प्रोड्यूसेस लेस कंपेयर टू द फुल ड्राइव मोड, बट जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो मतलब उसको खींचने की ताकत जो है, जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसमें से जो रोटर को घुमाएगी वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू फुल ड्राइव मोड, ठीक है। तो ये जो है बहुत कम यूज होता है वेव ड्राइव मोड, मतलब जितनी एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंगली यूज होता है। तो इसमें जो फर्स्ट कोड देंगे हम टू एनर्जाइज दिस ए कॉइल वो होगा 08H, 08H मतलब ये 00। अब देखो सिर्फ लोअर फोर पिन्स यूज होंगी ना, तो 08 कैसे बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बाकी फोर जो ऊपर वाली बिट्स है उसको 0000 ही दिया, मतलब पोर्ट वन पूरा यूज किया पोर्ट टू। अब उसमें से सिर्फ ये वाली पिन जो ए के साथ कनेक्टेड है उसको वन कर दिया, बाकी को जीरो कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या किया, 04H दिया है, मतलब 0000 0100 उसके साथ क्या हो गया, ये बी को एनर्जाइज कर दिया गया, ठीक है। सेम एज इट इज सी को एनर्जाइज करने के लिए 0000 0010, तो वो 02H बन गया। नेक्स्ट सारे जीरो, लास्ट वाला वन कर दिया, सी जो कि डी के साथ कनेक्टेड है दिस पिन, इसको वन कर दिया, तो वो बन गया 0000 0001, ठीक है। उसको हम 01 के साथ डिनोट करेंगे, तो ये वेव ड्राइव मोड है। सेम एज नेक्स्ट है फुल ड्राइव मोड, इसमें क्या किया है देखिए आप, इन दिस मोड टू कॉइल्स आर एनर्जाइज एट अ टाइम। इसमें क्या करेंगे, दो कॉइल्स को एनर्जाइज करेंगे एट ए टाइम, उससे क्या होगा, लॉजिक वन इज गिवन टू द टू कॉइल्स एट द सेम टाइम। दिस रिजल्ट्स इन हायर टॉर्क बट द पावर कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस एंड द प्रिसीजन ऑफ स्टेपर मोटर इंक्रीजेस टू फोल्ड। अब इसमें क्या किया है, ये देखिए पहले स्टेप के लिए ए और बी को एनर्जाइज कर दिया, सी एंड डी को नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप के लिए बी एंड सी को कर दिया, बाकी दोनों को जीरो दे दिया, नेक्स्ट स्टेप के लिए सी एंड डी को कर दिया और बाकी दो जीरो दे दिया, एंड नेक्स्ट स्टेप के डी और ए को कर दिया। इस जब इस मोड में हम दो दो कॉइल्स को एनर्जाइज करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा वो फुल ड्राइव मोड होगा, राइट। और उसके लिए कोड दिया हुआ है, इसका है 0C, इसका है 06 03 09, ऐसा कोड देंगे हम, राइट। बिकॉज ये आप देखिए ये सी होता है 1100, तो ये हम 0C देंगे इसको, ये होता है हमारा 06, ये होता है हमारा 03, ये होता है 09, राइट। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। नेक्स्ट है हमारा फुल हाफ ड्राइव मोड, दिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ वेव ड्राइव एंड फुल ड्राइव मोड। इसमें क्या होगा, हम दोनों मोड्स में काम करेंगे अल्टरनेटिवली। दिस मोड वर्क्स ऑन द अल्टरनेट एनर्जाइजिंग प्रिंसिपल, एट वन मोमेंट वन कॉइल इज एनर्जाइज बट इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट टू कॉइल्स आर एनर्जाइज। इसमें आठ स्टेप्स ले रहा है वो, एक स्टेप में वो वेव ड्राइव मोड की तरह काम कर रहा है, मतलब सिर्फ ए को एनर्जाइज किया, अगले मोड अगले स्टेप में वो दोनों को एनर्जाइज कर रहा है, राइट। फिर अगले स्टेप में सिर्फ बी को एनर्जाइज किया, फिर दोनों को एनर्जाइज कर दिया, फिर अगले स्टेप में सी को एनर्जाइज किया, फिर सी एंड डी को कर दिया, फिर अकेले डी को किया, फिर देन डी एंड ए को किया, मतलब इसमें से जो ऑड स्टेप्स हैं वो ड्राइव करते हैं वेव ड्राइव मोड को, और जो इवन स्टेप्स हैं वो फुल ड्राइव को
फुल ड्राइव मोड को डिपिक्ट करते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो है हाफ ड्राइव मोड। इसमें क्या है, एक तो टॉर्क भी बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो जाता है, प्लस पावर कंजप्शन भी कम हो जाती है। तो दिस इज मोस्टली यूज्ड। ठीक है, द सीक्वेंस इज रिपीटेड सो एज टू मेक द मोटर मोर पावर एफिशिएंट व्हाइल मेंटेनिंग द हाई टॉर्क एंड इंक्रीज द एंगुलर रोटेशन ऑफ द मोटर। राइट, और एंगुलर रोटेशन बढ़ानी हो तो भी हम इसको यूज करते हैं। वो आगे समझ आएगा कि कैसे काम करता है। राइट, सो दीज थ्री मोड्स आर गिवन टू द स्टेपर मोटर बाय द माइक्रो कंट्रोलर। जैसे जैसे हम यहाँ से 10 की पल्सेस देंगे, जिस मोड में भी देंगे उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। राइट, नेक्स्ट है ड्राइवर। ये ड्राइवर हमने अभी जो है डिस्कस किया था, UL2003। ये ड्राइवर, ये क्या है, एक करंट एम्पलीफायर आईसी है। स्टेपर मोटर कंज्यूम्स अ करंट ऑफ 0.1 to 1 एम्पीयर ड्यूरिंग स्टेप रोटेशन विद द लोड। 8051 प्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम करंट ऑफ 0.045 एम्पीयर, जो कि इसके एज कंपेयर टू स्टेपर मोटर करंट इज वेरी लो। ठीक है, देयरफॉर द पल्स सेंट फ्रॉम पोर्ट टू आर नॉट सफिशिएंट टू रन अ स्टेपर मोटर। अगर हम डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर से स्टेपर मोटर को वायर लगा रहे हैं तो नॉट इनफ करंट विल बी गिवन बाय द माइक्रो कंट्रोलर टू द स्टेपर मोटर टू रन। राइट, हेंस वी कैन नॉट डायरेक्टली इंटरफेस स्टेपर मोटर विद माइक्रो कंट्रोलर लाइक 89C51। सो देयर आर टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस होते हैं इसके। एक तो है मोटर ड्राइवर यूज कर लो, उसमें भी ऑटोमेटिकली करंट को एम्पलीफाई कर दिया जाता है। राइट, और वो जो होती है मोटर ड्राइवर वो होता है L239D। और दूसरा जो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन है, दैट इज करंट एम्पलीफायर आईसी लगा दो, उससे क्या होगा, UL2003। ये तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन जो है वो हम एज पर आवर एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। दोनों का काम सेम होगा, मोटर को रन करने के लिए ये दोनों आईसी यूज करेंगे। राइट, टू ओवरकम द स्टेपर मोटर्स पावर कंस्ट्रेंट वी नीड एन एक्सटर्नल पावर सोर्स दैट कैन ड्राइव हैवी लोड्स एंड सप्लाई इनफ पावर फॉर द ऑपरेशन ऑफ द स्टेपर मोटर। अब स्टेपर मोटर को काम करने के लिए वो कहते हैं कि हमें एक्सटर्नल पावर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज समटाइम्स स्टेपर मोटर आर रन बाय 12 वोल्ट। राइट, तो वो हम यहाँ से UL2003 IC जो है ये बेसिकली क्या करता है, इसमें ये डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, लगे होते हैं, तो ये उसका काम कंप्लीट कर देता है, मतलब इसको एक्सटर्नल पावर दे देता है। ठीक है जी, ये लो पावर इनपुट लेता है एंड आउटपुट अ सिग्नल विद अ ग्रेटर पावर, जो आउटपुट देगा वो ग्रेटर पावर के साथ देगा। राइट, तो इसके बारे में और दिया है, ये इसका डायग्राम है, इसमें क्या दिया हुआ है ये देखिए, इसकी 7 इनपुट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और 8th पिन जो है वो ग्राउंडेड है, और ऐसे ही जो इनपुट्स दी हुई हैं उसके रिगार्डिंग हमें आउटपुट पिन पे यहाँ से आउटपुट मिलेगी, और हर पिन इंडिपेंडेंटली काम कर रही है अपने अपने, और जो 9th पिन है दैट इज अ कॉमन फ्री व्हीलिंग डायोड है, और ये इसका सर्किट डायग्राम है ईच ड्राइवर का, ईच इनपुट एंड आउटपुट का। इसमें से देख सकते हैं आप 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, इसको हम बोलते हैं डार्लिंगटन पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। राइट, इनका काम है करंट को एम्पलीफाई करना। नेक्स्ट, स्टेपर मोटर इंटरफेसिंग डायग्राम, ये आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टेपर मोटर इंटरफेसिंग का, तो हम ये डायग्राम जरूर बना के आएंगे। इसमें क्या किया हुआ है, यू कैन सी दैट जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में सर्किटरी है, ये रीसेट स्विच की सर्किटरी है, ये हमने हर इंटरफेस में बनाई है। ऐसे ही क्लॉक सर्किटरी है जिसमें 2 कैपेसिटर और क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा है। ये हमारा 31st and 40th पिन जो है ये हम VCC के साथ कनेक्ट करते हैं, 20th पिन ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, और 4 पिन्स आर यूज फॉर द मोटर सर्किट, स्टेपर मोटर सर्किट। तो वो हमने पोर्ट 1 यहाँ पे यूज किया है, पोर्ट 1.0 से पोर्ट 1.3। ये हम इस ड्राइवर आईसी को दे रहे हैं, करंट एम्पलीफायर आईसी को। इसकी जो आउटपुट है वो हम 4 अलग अलग कॉयल्स को दे रहे हैं, जैसे A1 यहाँ दी है एक कॉयल को, A2 अलग दी है, A3 अलग दी है, और A4 अलग दी है। ठीक है, तो बाकी जो सेंटर वाली कॉयल्स हैं ये बेसिकली यूनिपोलर स्टेपर मोटर यूज कर रहा है, तो इसकी जो सेंटर वाली कॉयल है वो कॉमन कर दी और VCC को सप्लाई दे दी एक्सटर्नल, जिससे ये रन हो जाएगी और ये 5 वोल्ट पे रन होने वाली मोटर है। राइट, तो नेक्स्ट, ये आप इंटरफेसिंग डायग्राम बना सकते हैं, और ये बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा सर्किट डिस्क्रिप्शन। अब ये जो सर्किट अभी हमने देखा, इसमें क्या क्या लगाया है वो हम बात कर रहे हैं, जो पोर्ट 1.0 है, पोर्ट 1.1 है, 1.2 है, पोर्ट 1.3 है। दीज पिन आर यूज टू कंट्रोल द A1, A2, A3 एंड A4 ऑफ स्टेपर मोटर।
ULN जो ड्राइवर है दैट इज यूज फॉर ड्राइविंग द इंडिविजुअल फेस ऑफ द स्टेपर मोटर. इट इज अ डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर एरे यूज फॉर ड्राइविंग हाई करंट लोड्स. ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इट हैज़ 8 इंडिविजुअल चैनल्स विद 1 एम्पीयर कैपेसिटी और इसकी 1 एम्पीयर कैपेसिटी होती है आउटपुट करंट की. द चैनल कैन बी पैरेलल टू इंक्रीज द करंट कैपेसिटी और हम इसको पैरेलल भी कर सकते हैं जिससे करंट और बढ़ सकता है. मतलब दो चैनल्स को हम यूज करके करंट को और बढ़ाया जा सकता है. ईच चैनल आर फिटेड विद इंडिविजुअल फ्री व्हीलिंग डायोड. ईच चैनल इज एक्टिवेटेड बाई गिविंग अ लॉजिक लो एट द कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट. अब हम हर चैनल को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं जब हम इसको जीरो देंगे. मतलब यहाँ पे जीरो देने से जो है वो एक्टिवेट होगी हर पिन. For example, if we make pin 1 of ULN 2003 low, face A1 of step promoter gets withdrawn. मतलब हम microcontroller से zero input देंगे तो ये output जो है वो 1 देगा जिसे face on हो जाएगा. मतलब stator coil जो है वो activate हो जाएगी. Right? Next है program. अब इस program को आप copy में note कर लीजिए. ये अगर आपको आ जाए तो as it is बनाना है. इसमें क्या दिया हुआ है, ये इक्वेट्स किए हुए हैं, ये डायरेक्टिव्स हैं. चारों डायरेक्टिव को नाम दे दिया A1, A2, A3 एंड 4. नेक्स्ट है ओरिजिन डायरेक्टिव लगाया है 00H. अब हमने यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर दिया, मतलब टाइमर मोड दे दिया मोड 1. ठीक है, उसके लिए टी मोड में हमने 01H दे दिया. राइट, नेक्स्ट है A1 को क्लियर कर दिया. मतलब A1 को 0 दे दिया, मतलब पोर्ट 1.0 को 0 दे दिया. उससे क्या होगा, वो जो है हमें पता है कि क्या होगा, ULN ड्राइवर जो है फेस 1 को वन दे देगा, मतलब एक्टिवेट कर देगा. फिर हमने डिले दे दिया, मतलब एक स्टेप कवर हो जाएगा उस टाइम पे. देन हमने उसको सेट कर दिया, मतलब उसको वन दे दिया. फिर अगली A2 को जीरो दे दिया, उससे मतलब अगली स्टेटर कॉइल को एनर्जाइज कर दिया जाएगा और एक स्टेप और हो जाएगा. फिर डिले दे दिया, देन उसको सेट करके फिर अगले को क्लियर कर दिया A3 को. फिर डिले दे दिया, फिर उसको रोक कर फिर अगले को जो है एक्टिवेट कर दिया गया चौथे फेज को. देन उसको डिले दे दिया, फिर उसको भी जीरो कर दिया. अब वापस मेन पे आ जाए, मतलब ये प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू होता रहे. तो एक लूप बन गई. ये क्या करेगा, चारों कॉइल्स को बारी बारी से एक एक करके एक्टिवेट कर रहा है और इस टाइम में ये वेव ड्राइव मोड पे काम कर रहा है. राइट, एक फेज को एक टाइम पे एक कॉइल को एनर्जाइज कर रहा है. ठीक है, और डिले का फंक्शन यहाँ दिया है. डिले के लिए इन्होंने टाइमर चलाया, मतलब कितने टाइम के लिए वो मोटर चले वो हम टाइमर के थ्रू काम कर सकते हैं. तो उसके लिए जो है वो देखिए आप, यहाँ पे TH0 को एक्टिवेट किया गया है, TL0 को एक्टिवेट किया गया है. ये 16 मोड टाइम जो है 16 बिट टाइमर जो ऑन करेगा बिकॉज यहाँ पे टी मोड 1 ऑन किया है. देन TR0 को स्टार्ट करेंगे. कब तक चलेगा वो, जब तक वो जीरो ना, जब तक FFS तक ना आ जाए. देन उसको क्लियर कर दिया गया. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं टाइमर ऑपरेशन में. राइट, तो ये एक डिले का टाइमर है, मतलब कितने सेकंड के लिए ये एक स्टेप चलाएगा उसके अकॉर्डिंगली रेवोल्यूशंस बनेंगे. तो दिस इज द प्रोग्राम. अब इसकी प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बताया है कि इट वर्क्स फॉर 65 ms डिले. मतलब ये जो डिले है ये 65 ms का होगा. हर 65 ms के बाद एक स्टेप लेगी वो स्टेपर मोटर. ठीक है, हम चेंज भी कर सकते हैं इसको अपने अकॉर्डिंगली, वो हम टाइमर ऑपरेशन में कर चुके हैं. राइट, सो ये प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन है, इसमें यही बताया हुआ है कि किस पिन को हम पहले फेस 1 को ऑन कर रहे हैं, देन 2 को, देन 3 को, देन 4 को. सो दिस इज हाउ इट विल वर्क. राइट, सो इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम ऑनलाइन सेशन में इसको डिस्कस करेंगे. अब हमारी जो इंटरफेसिंग है वो 4 पेरिफेरल डिवाइस के साथ हो चुकी है, बाकी 2-3 पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर अप कर लेंगे. राइट, सो थैंक यू.